नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे प्रोडक्ट रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डिश वॉशिंग सॉल्ट को डिश वॉशर में कैसे डालते हैं उसका डेमो। ये है IFB डिशवॉशर सॉल्ट का 1 किलो का डब्बा और ये IFB डिशवॉशर में इस्तेमाल होता है। आपका जो टैप वाटर है वो अगर बोरवेल का है या फिर वो हार्ड वाटर है तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए IFB डिशवॉशर्स में ये सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका टैप वाटर खारा है या बोरवेल का है यानी कि हार्ड है तो उसके वजह से डिश वॉशर जंग की वजह से ख़राब होने का खतरा रहता है। इसी की वजह से ये डिश वॉशिंग सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये पानी को सॉफ्ट बनाता है और इसकी वजह से बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। यानी कि हार्ड वाटर में भी आप डिश वॉशर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस डिश वॉशिंग सॉल्ट की वजह से। IFB डिश वॉशर के बर्तन धोने के जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स इस्तेमाल करके आपको बर्तन धोने हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलने हैं तो ये डिश वॉशर सॉल्ट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और IFB डिश वॉशर्स के लिए ये IFB डिश वॉशिंग सॉल्ट बेहतरीन है। तो अगर आपके पास IFB डिश वॉशर है और आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो उसके लिए ये IFB डिश वॉशिंग सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये डब्बा जो है वो 1 किलो का है और इसकी MRP जो है 140 रुपये है। IFB डिश वॉशर का जो सॉल्ट कंपार्टमेंट होता है उसमें हमें ये 1 किलो का सॉल्ट एक ही बार में डालना होता है। और IFB डिश वॉशर का जो प्रोग्राम का पैनल होता है उस वहाँ पर सॉल्ट इंडिकेटर होता है। जब सॉल्ट ख़त्म हो जाता है तो वो इंडिकेटर लाल रंग में जल उठता है तो हमें मालूम पड़ता है कि सॉल्ट जो हमने डाला था वो ख़त्म हुआ है। फिर आपको एक डब्बा सॉल्ट उसमें सॉल्ट कंपार्टमेंट में डालना पड़ता है। ये है IFB डिश वॉशर सॉल्ट 1 किलो का। और मेरा डिश वॉशर IFB नेपचून VX जो है उसमें मैं यही सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ और मेरे बर्तन इसमें अच्छे से साफ़ होते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। अब हम देखेंगे ये जो 1 किलो का सॉल्ट है वो हम डिश वॉशर में कहाँ पर और कैसे हमें इसे डालना होता है। ये देखिए, ये जो ढक्कन मैं निकाल रही हूँ ये है डिश वॉशर का सॉल्ट कंपार्टमेंट। और डिश वॉशर के साथ ही हमें ये प्लास्टिक का फनल मिलता है जिसकी सहायता से सॉल्ट हम ये सॉल्ट कंपार्टमेंट में आसानी से डाल सकते हैं। IFB डिश वॉशर का ये जो सॉल्ट का कंपार्टमेंट है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। जब मैं फनल इस पर रखती हूँ और चम्मच से मैं सॉल्ट डाल रही हूँ तो वो सॉल्ट जाकर नीचे जमा हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरा 1 किलो का सॉल्ट हमें इस फनल की सहायता से इस सॉल्ट के कंपार्टमेंट में भरना है। जब भी हम सॉल्ट ऐड करें सॉल्ट कंपार्टमेंट में और हमारी मशीन को जंग लगने से बचाने के लिए हमेशा सॉल्ट भरने के बाद एक बार प्री वॉश प्रोग्राम ज़रूर ऑन करें जिससे कि अगर कोई सॉल्ट के पार्टिकल्स मशीन में बचे हो तो वो वॉश होके चले जाएंगे और मशीन को जंग लगने का ख़तरा नहीं रहेगा। तो याद से सॉल्ट डालने के बाद एक बार प्री वॉश
प्रोग्राम ज़रूर रन करें बिना बर्तनों के। तो ये देखिए इस तरह से पूरा डब्बा, 1 किलो का ये जो सॉल्ट है वो हमने खाली कर दिया है। अब ये फनल निकाल दीजिए, कुछ टुकड़े नीचे गिरे हैं तो कंपार्टमेंट में डाल दीजिए और ढक्कन अच्छे से लॉक कर दीजिए और ये अब डिशवॉशर इस्तेमाल के लिए तैयार है। IFBB डिशवॉशर नेपच्यून VX का जो कैटलॉग है और जिस पर सॉल्ट कैसे डालना है वो पेज का मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया है, उसके साथ साथ आपको आपके टैप वाटर का जो पानी है उसका सॉल्ट लेवल जांचने का तरीका भी दिया गया है कैटलॉग पर, वो भी ये देखिए मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। उसके साथ साथ सॉल्ट कितना इस्तेमाल करना चाहिए एक वॉश के लिए उसका भी सेटिंग्स रहता है, वो भी आप सेटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये पेज पर मेंशन किया हुआ है। आपके टैप वाटर में सॉल्ट का लेवल कितना है और उसके साथ साथ आपका जो डिशवॉशर है उसमें जो डिशवॉशिंग सॉल्ट है उसका डिशवॉशिंग के बाद लेवल कितना रखना है, ये सब डिटेल्स आप अच्छा रहेगा अगर IFBB टेक्नीशियन से जान लें, तो आपके बर्तन भी अच्छे से साफ होंगे और डिशवॉशर भी बिना जंग के अच्छा बना रहेगा। IFBB डिशवॉशर नेपच्यून VX और डिशवॉशिंग से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्रोडक्ट रिव्यूज़ और एयर फ्रायर रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही और एक प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।